आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी और बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। ये मैं बना रही हूँ चाय का मसाला, तो टी मसाला आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर चाहिए वो है सॉल्ट, सूखा हुआ जिंजर। तो यहाँ पर मैंने सूखा हुआ जिंजर लिया है 25 ग्राम, और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है नटमेग, जायफल हाफ यूज़ करूँगी मैं, यहाँ पर रखा है मैं हाफ यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब में लिया है काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून के करीब में लिया है मैंने कार्डमम पाउडर, 1 टेबल स्पून के करीब में मैंने लिया हुआ है यहाँ पर लौंग, और यहाँ पर मैंने कुछ सिनेमन स्टिक ली हुई है, और अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप तुलसी के पत्ते भी यूज़ कर सकते हो। और जिसे वेट लूज़ करना है उसके लिए भी ये रेसिपी बहुत अच्छी है। एक्चुअली ये सारी चीज़ों का फ़ायदा ये है कि ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, जिससे हमारा वेट जो है वो लॉस होता है। तो ये अभी हमें करना क्या है, ये सारी चीज़ों को, ये देखिए मैं यहाँ पर मैंने फ्राई पैन रख दिया है, मैं इसके अंदर यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर दूँगी। इसके अंदर मैं सबसे पहले ये जो मैंने ये सारी चीज़ें मैं डाल दूंगी, मैंने उधर से मैंने इसके अंदर से मैंने ड्राई जिंजर निकाल दिया है और नटमेग निकाल दिया है, इसे मैं अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने आधा जायफल है उसको मैंने इस तरीके से ये देखिए पाउडर कर लिया है, और यहाँ पर मैंने जो ड्राई जिंजर थे अदरक उसको मैंने इस तरीके से बारीक सा कूट लिया है, वो इसलिए कि हम इसे डायरेक्टली जार में डालेंगे तो जार के ब्लेड को प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे देखिए ये मैं जो बाकी के जो मसाले हैं उसे मैं भून रही हूँ, और मेरे पास में और काफ़ी रेसिपी है जो वेट लॉस करती है, तो अगर आप लोगों को वेट लॉस की कोई रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। बिकॉज़ अभी तो खैर मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ अपने वेट पर, लेकिन पहले मैं बहुत ट्राई करती थी और बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे पास में है, मैं उसको यूज़ करती थी और काफ़ी मैं अच्छी खासी स्लिम थी, लेकिन अब मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ अपनी बॉडी पर। तो देन इसीलिए अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे पास में है काफ़ी, आप मुझे कह देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं ये कर दूँगी आप लोगों के साथ में, वो रेसिपीज़ शेयर करूँगी। अभी देखिए ये जो जायफल है और ये ड्राई जिंजर है ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसे बस हल्का सा भून लेंगे हम। जैसे मैंने ये सारे मसाले भून लिए हैं वैसे ही मैं ये सारे चीज़ों को भून लूँगी, फिर इसे ठंडा कर दूँगी, और ठंडा करने के बाद कुछ नहीं इसे पीसना है, और पीस के इसे एयरटाइट कंटेनर में आपने महीना 2 महीने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो आराम से। जब भी आप चाय बनाओ तो उसके अंदर 1 चम्मच इसका पाउडर डाल दीजिए, तो ये मसाला टी रेडी हो जाएगी। ये वेट को भी बहुत अच्छे से कम करती है, और अभी ठंडी है तो ठंडी में ये चीज़ जो है वो बेसिकली बॉडी में गर्मी लाती है, तो उस वजह से भी हमें जो सर्दी खांसी जुकाम का प्रॉब्लम होता है वो नहीं रहता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसके अंदर तुलसी के पत्ते, ड्राई तुलसी के पत्ते भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए ये अच्छे से भून के हो गया है, तो अभी मैं इसे सिर्फ ठंडा करती हूँ, और ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है ये पाउडर को। तो चलिए, अगर इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डू थम्स अप ऑन लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख कर आप महीना 2 महीना इसे यूज़